ये लोग अपने न्याय की अर्जी लगाते हैं यहाँ पे भगवान भोले देवता से, न्याय मांगते हैं। अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो स्टाम्प पेपर पे लिख के लगाते हैं ताकि भगवान स्टाम्प पेपर भी मिलता है कहीं वो कोर्ट से। अच्छा वो कोर्ट से जब तो अर्जी होती है तो अर्जी पूरी होने पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर घंटी चलाते हैं। अच्छा नमस्कार दोस्तों, कैची धाम के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं गोलू महाराज के दर्शन करने, जिसका डिस्टेंस लगभग यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है और लगभग टाइम भी लगेगा ऑलमोस्ट आधे घंटे। यहाँ का रास्ता काफी कच्चा है। घोड़ा खाल मंदिर ही गोलचू कन्फर्म? तो फिर ये तो घोड़ा खाल तो कई जगह लिखा हुआ था। यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं और ऊपर सीढ़ियाँ यही है। सिर्फ यहाँ पे घंटियाँ घंटियाँ अब इसमें जो पत्रियां हैं, अब इसके अंदर क्या है? ये लोग अपने न्याय की अर्जी लगाते हैं यहाँ पे भगवान भोले देवता से, न्याय मांगते हैं। अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो स्टाम्प पेपर पे लिख के लगाते हैं ताकि भगवान स्टाम्प पेपर भी मिलता है कहीं वो कोर्ट से। अच्छा वो कोर्ट से तो जब अर्जी होती है तो अर्जी पूरी होने पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर घंटी चलाते हैं। अच्छा हाँ ओके कर लो। इट डोंट हैव आई एम मेकिंग वीडियो। जय देव भूमि जय भद्र। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिया है गोलचू देवता के, और बहुत सारी घंटियां थी वहां पर और सभी ने अपनी मनोकामना को पूरा किया। हम दोनों ने तो एक ही मनोकामना मांगी और कुछ लोगों के लेटर भी पढ़ लिया हमने और एक मनोकामना गलती से मांग ली, वो मनोकामना यही घूम रही थी। दो मनोकामना हम दोनों की एक क्लैश हो गई। तो इस तरह की जैसे इनके मनोकामना से थोड़ा सा सतर्क रहे क्या हो सकती है। बाकी आप जरूर इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।